सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RMO एग्जाम यानी रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में। तो बेसिकली आपके इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन जो आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर आपके सेकंड स्टेज को हम लोग RMO एग्जामिनेशन कह सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शन है यार, पिछले साल COVID-19 को लेकर के हमारे IMO एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे यार। अब स्ट्रक्चर में कौन से चेंजेस आए हैं इस चीज़ को समझ लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियसली यार PRMO एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था जो आपका स्टेज वन हुआ करता था। PRMO एग्जामिनेशन की जगह पर IOQO में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा सेकेंड स्टेज को कम्प्लीटली रिमूव करते हुए यानी पिछले साल RMO एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को यार इनमो एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। यानी IOQM से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्टली स्टूडेंट्स ने इनमो एग्जामिनेशन में अपियर किया, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप होगा और उसके बाद आपका IMO एग्जामिनेशन होगा। सो होपफुली आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी डाउट रह गया हो प्लीज़ जाकर के डिटेल में समझ लेना यार। इन दोनों वीडियोस में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हमने स्टेज वन यानी PRMO एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अभी तक इस चैनल पर हमने IOQO में एग्जामिनेशन के बारे में एक भी डिस्कशन नहीं किया है। अगर नेक्स्ट ईयर भी IOQO में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा हम लोग अच्छे तरीके से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। PRMO एग्जामिनेशन और IOQO में एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है तो ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आप IOQO में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो आप इन दोनों एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। आगे जो भी चेंजेस आएंगे उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्टेज टू यानी RMO एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर इस साल भी COVID-19 को लेकर के RMO एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया गया कोई भी दिक्कत नहीं यार, हम लोग डायरेक्टली इनमो एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेज टू के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिमिलरली हम लोग आगे मूव करते हुए इनमो एग्जामिनेशन IMO एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग RMO एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कोचिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जितने भी आपके मैथमेटिक्स ओलंपियड एग्जामिनेशन होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आपके गवर्नमेंट ओलंपियड एग्जामिनेशन होते हैं, दूसरे कैटेगरी में आपके प्राइवेट ओलंपियड एग्जामिनेशन होते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में जितने भी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है वो सारे के सारे आपके गवर्नमेंट ओलंपियड एग्जामिनेशन होते हैं। प्लीज़ इस वीडियो में किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग SOF के IMO एग्जामिनेशन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। SOF का IMO एग्जामिनेशन कम्प्लीटली आपका प्राइवेट ओलंपियड एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट ओलंपियड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो भैया RMO एग्जामिनेशन को देने का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे सराउंडिंग में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अपने अंदर कंपटीशन लाने के लिए, खुद को कंपेयर करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, कहने का मतलब है आपको ओलंपियड एग्जामिनेशन में उतरना चाहिए। अगर आप स्टेज वन क्वालिफाई करते हो, स्टेज टू को जाते हो, फिर स्टेज थ्री को जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पर आपको चांस मिलता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, रियल ओलंपियड एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड स्टेज में यानी इनमो में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो इंडिया के रिनाउंड मैथमेटिक्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, BSET में, BMaths में, BSc मैथमेटिक्स में, इन सभी चीज़ों में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उनको फ्री एडमिशन मिल जाता है। अब हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इस एग्जामिनेशन को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट अपियर कर सकता है। इसके अलावा RMO एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए आपको स्टेज वन क्लियर करना जरूरी है। स्टेज वन आपका IOQM या तो फिर PRMO अकॉर्डिंगली होने वाला है। जिस तरीके से अभी सिचुएशन चल रहे हैं PRMO एग्जामिनेशन को हटा करके IOQM नाम दे करके उसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया था, सिमिलरली इस साल भी जिस तरीके से सिचुएशन चल रहे हैं हो सकता है कि IOQM एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। अब हम लोग एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन को स्ट्रक्चराइज किया गया है। RMO का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यहाँ पर आपको हर एक आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी MCQ क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी ऑप्शन आपको गिवन नहीं होगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला, यानी कोई भी हिंट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया रहता है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पूरा का पूरा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप मार्किंग होने वाली है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको एग्जामिनेशन में अपियर करना है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे।
सिर्फ 6 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन का वैल्यू यहाँ पर 17 मार्क्स होता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका फुल मार्क्स यहाँ पर 102 मार्क्स का होने वाला है और टोटल टाइम यहाँ पर आपका 3 आवर्स को मिलने वाला है। तो अब हम लोग एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को, कट ऑफ को, इंपॉर्टेंट बुक्स, इन सभी चीज़ों को इस पीडीएफ की मदद से समझने वाले हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ समझाई जाएंगी। ध्यान से पीडीएफ को अच्छे तरीके से देखते रहना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आरएमओ में जाने के लिए आपको पीआरएमओ क्लियर करना ज़रूरी है, इसीलिए साइड बाय साइड हम लोग पीआरएमओ के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पीआरएमओ एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ऑलरेडी हमने पीआरएमओ के एग्जामिनेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, जहां पर हमने काफी अच्छे तरीके से सारे के सारे चीजें कवर की हुई है। यहां पर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पीआरएमओ के एग्जाम पैटर्न को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर। 2 मार्कर के आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो यहाँ पर फुल मार्क्स इस सेक्शन का आपका 12 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर 3 मार्कर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क का है तो फुल मार्क्स इस सेक्शन का आपका 45 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट आपको 5 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सेक्शन में कुल मिलाकर के आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फुल मार्क्स इस सेक्शन का आपका 45 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो पीआरएमओ में कुल मिलाकर के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 102 मार्क्स का होने वाला है। टोटल टाइमिंग यहाँ पर आपका 3 आवर्स का होने वाला है। होपफुली आपको पीआरएमओ एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आपको पीआरएमओ क्लियर करना है, उसके बाद आप आरएमओ एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हो। अब हम लोग आरएमओ एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता रखा है, लेकिन फिर से इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपको कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 17 मार्क्स, तो फुल मार्क्स यहां पर आपका 102 मार्क्स का होता है। जैसे पीआरएमओ में आपने यहां पर सेक्शन वाइज देखा था 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, आरएमओ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर पीआरएमओ में सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर आपके इंटीजर्स में होने वाले हैं, 2 डिजिट में या तो फिर सिंगल डिजिट आंसर, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। लेकिन आरएमओ के एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना है, सारे के सारे चीज़ें लिखनी है, प्रूफ करना है, इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका होने वाला है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, पीआरएमओ में कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होता है, आरएमओ में लेकिन आपका यहाँ पर स्टेप मार्किंग होने वाला है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग पीआरएमओ के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और इस चीज़ को समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ यार, पीआरएमओ के कट ऑफ को अगर आप ध्यान में रखोगे तभी जाकर के आप आरएमओ को क्वालिफाई कर सकते हो। आरएमओ के क्वालिफाई करने के बाद आप इनमो में जा सकते हो। सो सारे की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको पीआरएमओ का कट ऑफ लिस्ट बता रखा है। अब कट ऑफ कई हद तक यार चेंज होता है और आपको इन सभी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ देखना है। ये सारी की सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, साल ब साल ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पीआरएमओ के पूरे सेक्शन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लास 8 से लेकर क्लास 11 तक और क्लास 12 का अलग। क्वेश्चन पेपर सेम होता है लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर आपको सारे के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, केवी, एनवी, ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर आपको कट ऑफ में दिख रहा होगा। अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अच्छे तरीके से डाउनलोड करके इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ये सारे के सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यार कट ऑफ कितना ज़्यादा कम जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 30 से ऊपर शायद ही कोई कट ऑफ गया होगा। मैक्सिमम यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का 28 गया हुआ है। आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो कि 30 के ऊपर जनरली कोई जाता नहीं है। अगर आप 35 से 40 के बीच में अगर अपना टारगेट बनाते हो काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आरएमओ के सिलेबस को हम लोग अच्छे तरीके से एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके आरएमओ में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ब्रॉडली हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आपके एलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम होता है और थर्ड आपका ज्योमेट्री होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पीआरएमओ में, आरएमओ में, एनमो में, इन सभी एग्जामिनेशंस में कोई भी कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप इनडायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को इलेबोरेटेड करके समझने वाले हैं। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ही ये चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। हो सकता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए, हो सकता है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ मदद करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था, तो ये सारे के सारे
सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हुई हैं, अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप कवर कर सकते हो। गारंटी कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती कि यहाँ से आप पढ़ के जाओ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने सारे टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं, आप एक एक करके सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अच्छे तरीके से डाउनलोड करके उन सभी चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक यानी एलजेब्रा के ईच एंड एवरी सब टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और उन सभी सब टॉपिक को आप कौन से किताब से फॉलो कर सकते हो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशन आता है, यहाँ पर आपका इनडिटर्मिनेट इक्वेशन आ जाता है, फिर आपका पॉलिनोमियल्स आता है, पॉलिनोमियल्स में भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका रैशनल रूट थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, फैक्टर थ्योरम आ जाता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन जिसको हम लोग क्यूबिक एंड हायर इक्वेशंस कहते हैं, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, नेचर ऑफ द रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन इक्वेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जोड़ करके पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ द रूट्स आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन रूट आ जाता है, रेंजेस ऑफ द रूट आ जाता है, यहाँ पर आपका डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। होपफुली आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। इन इक्वेशन जहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज के भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, AP, GP, HP, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सभी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इन सभी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना शुरू करोगे आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इन चीज़ों को आप कहाँ से पढ़ सकते हो, हायर एलजेब्रा की हॉलैंड की किताब आती है यार, एलजेब्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल से आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से कवर कर सकते हो। वेविकर मेथड आ जाता है, इन इक्वेशन के लिए वेविकर मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अच्छे तरीके से आप हायर लेवल की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लगभग इसका वेटेज आपका 25-30% होता है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कई सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों से अपनी तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इसका भी वेटेज आपका लगभग 30% के आसपास होता है, यहाँ पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। डिविजिबिलिटी आ जाती है, साइक्लिसिटी आ जाती है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आ जाता है, मॉड्यूलर एरिथमेटिक्स आ जाता है, लॉगरिथम के क्वेश्चन आते हैं, लॉगरिथम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, कई सारे जगहों पर आप नहीं चाहते हुए भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर आपके लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ई आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आ जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप हायर लेवल को अच्छे तरीके से मूव कर सकते हो। रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलजेब्रा में भी मैंने आपको उस चीज को मेंशन किया हुआ था, डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, ये कंप्लीटली आपका 11th का टॉपिक है, अच्छे तरीके से आप इस चीज को कवर कर सकते हो। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शंस, मॉड्यूलर फंक्शंस, इन सभी चीजों को आपको अच्छे तरीके से कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैपिंग, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिट डिजिट्स, रिमाइंडर्स, ये काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पर आपको घुमा करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटीजर्स एंड डिजिट प्रॉब्लम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस गारंटी इसमें से आते ही हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिख करके ले लो यार, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देख लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इस चीज की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। सेट थ्योरी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके नंबर सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर कर सकते हो। कौन से इंपॉर्टेंट किताबें यार, आप हायर एलजेब्रा को फॉलो कर सकते हो, या तो फिर पाथफाइंडर की ओलंपियड मैथमेटिक्स की किताब आती है, अगर आप चाहो तो इस चीज को भी कवर कर सकते हो। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले, वहां पर मैं आपको उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर भी इसका वेटेज लगभग आपका 30% के आसपास होता है, यहाँ पर आपके ट्रायंगल ज्योमेट्री आ जाता है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, एरिया, हेरॉन्स फॉर्मूला, लाइन एंड एंगल, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इन चीज़ों को इलैबोरेट करते हुए अच्छे तरीके से हायर लेवल की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिमिलरली आपका सर्कल ज्योमेट्री आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, ये अपने आप में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सर्कल ज्योमेट्री अपने आप में बड़ा, बहुत बड़ा टॉपिक है यार, अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करने जाओगे काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स, जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर्स, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हो।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को भी समझ लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, कई सारे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉलीकॉन्स में से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कवर करने जाओगे तो इन दोनों किताबों से फॉलो कर सकते हो, हायर एल्जेब्रा और ओलंपियड मैथमेटिक्स बाय पाथफाइंडर, अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कई सारे किताबों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सारे के सारे किताबों आपको फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ किताबों को फॉलो कर सकते हो, मैंने यहाँ पर जितनी पॉसिबल किताबें हो सकती हैं, जो बेस्ट किताबें हैं, जो ज़्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं, मैंने उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, कहीं ना कहीं पर ये सारे की सारी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट किताब आती है प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे ओलंपियड लेवल की अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ये स्पेसिफिक किताब सिर्फ और सिर्फ ओलंपियड के लिए ही डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट आता है आपका प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल ओनली, ये पर्टिकुलर किताब आपके ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए डिजाइन किया गया है, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आप क्लास 8, 9, 10 में हो, अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो, काफी शुरुआत से ही आपको इस चीज को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं पर ये किताब बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, हायर एल्जेब्रा की हॉलेनट की किताब, मैंने आपको प्रीवियसली भी मेंशन किया हुआ है, ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किताब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पाथफाइंडर फॉर ओलंपियड मैथमेटिक्स, जैसे कि मैंने बताया था काफी अच्छी किताब है यार, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों दोनों चीजें काफी अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, आप इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है आपकी एन एक्सकर्शन, जितने भी स्टूडेंट्स आप में से आरएमओ एनमो पीआरएमओ इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे या फिर कर रहे हो, इस पर्टिकुलर किताब के बारे में आपने कहीं ना कहीं पर तो जरूर सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट किताब आती है, काफी हायर लेवल की होती है। अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर किताब को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है इस पर्टिकुलर किताब को खत्म कर पाना। यहां पर आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा की किताब को मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पर्टिकुलर किताब है आईआईटी जेईई और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, इस किताब को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। ध्यान से समझ लेना यार, इस पर्टिकुलर किताब को आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ही इस्तेमाल करना है। इस पर्टिकुलर किताब का पीआरएमओ आरएमओ से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये किताब आपको हेल्प कर सकती है। बिसाइड दैट, अगर आप इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, ये किताब आपको उन एग्जामिनेशन के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना जरूरी है। यहां पर आपका एक सिंपल तरीका यह होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर और उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर थर्ड पार्टी से या फिर मेरे से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गिवन है, अच्छे तरीके से उनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आरएमओ की तैयारी करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीआरएमओ के या फिर इनमो के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। किसी भी लेवल की आप तैयारी करते हो, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी चीजों को तैयारी करना चाहते हो, डायरेक्ट वे है कि आप किताबें भी खरीद सकते हो या तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली ये सारे के सारे किताबें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर किताब आप खरीद सकते हो जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग कोचिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स ओलंपियड एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन कोर्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से एडवांटेज जरूर मिल जाता है, और ये चीज है फैक्ट है। हम जितना भी इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करें, कोचिंग का इंपॉर्टेंस जरूर होता है यार। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं यार, जितने भी स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनको मटेरियल दिया जाता है, क्रैश कोर्स करवाया जाता है, ये सारे के सारे चीजें उनको किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट जरूर करती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं उनको जरूर एडवांटेज मिल जाता है। तो भैया क्या हम लोग कोचिंग नहीं जाते तो हमको एडवांटेज नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है यार। अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं जाते हो, अगर आप कहीं से कोचिंग सेंटर का मटेरियल अरेंज कर सकते हो, आपको उस चीज का एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि किसी ना किसी तरीके से अगर आप मटेरियल अरेंज कर सकते हो किसी भी कोचिंग सेंटर का, जो एडवांस कोचिंग सेंटर्स होते हैं आपके लोकेलिटी में है, कोई दोस्त है, कोई सीनियर है, कहीं से भी अगर आप अरेंज कर सकते हो, मटेरियल्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उनका डायरेक्ट स्टडी मटेरियल आता है जहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, ये सारे के सारे चीजें उनके मटेरियल्स में होती हैं। तो ये सारे के सारे चीजें किसी ना किसी तरीके से आपको एडवांटेज जरूर प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आरएमओ एग्जामिनेशन के बारे में सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन कर ली। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे, एक आइडिया आपको मिला होगा, एक ओवरव्यू आपको मिला होगा किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, विदाउट कोचिंग किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस तरीके से आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। अगर आपको आरएमओ एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी ओलंपियड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई सजेशन दे रहा हो, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग दूसरे ओलंपियड एग्जामिनेशन के बारे में, थर्ड स्टेज के बारे में, इनमो के बारे में, आईएमओ के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम लोग कई सारे किताबों के बारे में भी रिव्यू करते हैं यार, मेरे बुक टॉक्स के वीडियोस को भी आप जाकर के देख सकते हो, जहां पर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उन सभी चीजों को भी जाकर के आप देख सकते हो यार, कई सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला है, इस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया हो, तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताना, कई सारे स्टूडेंट्स को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो तब तक नहीं चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।